दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 20 मरीजों की मौत। ऑक्सीजन का प्रेशर कम होने से मरीजों ने तोड़ा दम। जयपुर गोल्डन अस्पताल के एमडी ने ऑक्सीजन की कमी से मौत की बात कबूली। अभी भी करीब 200 मरीजों की जान खतरे में। 7 घंटे देर से पहुंचा ऑक्सीजन। अमृतसर के नीलकंठ अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 6 मरीजों की मौत। प्राइवेट अस्पताल में 6 कोरोना मरीजों ने तोड़ा दम। सर गंगाराम हॉस्पिटल में भी ऑक्सीजन का संकट। अस्पताल में सिर्फ 1 घंटे का बचा है ऑक्सीजन। दिल्ली के अस्पतालों में जीवन रक्षक ऑक्सीजन की किल्लत। बत्रा हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म होने के बाद आनन फानन में पहुंचे ऑक्सीजन टैंकर। दिल्ली के बत्रा हॉस्पिटल में करीब 300 मरीज है भर्ती। ऑक्सीजन टैंकर पहुंचने से ऑक्सीजन की सप्लाई फिर से होगी शुरू। ग्वालियर के जया रोग्य अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से अफरा तफरी। 30 मरीजों को दूसरे हॉस्पिटल में किया गया शिफ्ट। भगदड़ में 2 की मौत। ऑक्सीजन इमरजेंसी के बीच गाजियाबाद में ऑक्सीजन लंगर। इंदिरापुरम में गुरुद्वारे के बाहर जरूरतमंदों को दिया जा रहा है ऑक्सीजन। बोकारो से लखनऊ पहुंची ऑक्सीजन एक्सप्रेस। यूपी के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत होगी दूर। वाराणसी में भी ऑक्सीजन एक्सप्रेस से उतारा गया ऑक्सीजन टैंकर। काशी के अस्पतालों में जीवन रक्षक गैस की किल्लत होगी खत्म। ऑक्सीजन एक्सप्रेस के लिए पूरे रूट को बनाया गया ग्रीन कॉरिडोर। यूपी के अलग अलग जिलों में होगी सप्लाई। ऑक्सीजन संकट के बीच देवदूत बने सेना के जवान। लगातार ऑक्सीजन टैंकर एयरलिफ्ट कर रहे हैं जवान। ऑक्सीजन की कमी से निपटने के लिए रक्षा मंत्रालय ने संभाला मोर्चा। जर्मनी से 23 ऑक्सीजन प्लांट्स होंगे एयरलिफ्ट। हर प्लांट में है 1 मिनट में 40 लीटर ऑक्सीजन उत्पादन करने की क्षमता। देश में ऑक्सीजन की किल्लत दूर करने को लेकर गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला। सिंगापुर और यूएई से हाई कैपेसिटी ऑक्सीजन कंटेनर्स मंगवाने के आदेश। ऑक्सीजन संकट के बीच महाराष्ट्र पहुंची देश की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस। नागपुर में उतारे गए ऑक्सीजन के 3 टैंकर। बाकी 4 टैंकर ऑक्सीजन भेजे गए मुंबई। फरीदाबाद में ऑक्सीजन सप्लाई के लिए बना ग्रीन कॉरिडोर। पुलिस की सुरक्षा में ऑक्सीजन की सप्लाई। कोरोना संकट के बीच दिल्ली के जीटीबी अस्पताल की बदहाली। कोरोना मरीजों को नहीं मिल रहा बेड। दिल्ली के दूसरे बड़े कोविड हॉस्पिटल का बुरा हाल। दीपचंद बंधु अस्पताल में मरीजों को नहीं मिल रहा सही ट्रीटमेंट। लखनऊ के आरएमएल अस्पताल में बेड को लेकर मारामारी। अस्पताल में ऑक्सीजन और बेड के लिए जद्दोजहद। लखनऊ में मरीज की मौत के बाद परिजनों का हंगामा देखने को मिला। मरीज के रिश्तेदारों ने डॉक्टर की पिटाई कर डाली। पूरी घटना सीसीटीवी में दिख गया। मृतक के परिजनों ने पहले तोड़फोड़ की और फिर कर्मचारियों को दौड़ा दौड़ाकर पीटा। बीते 6 दिनों से एक मरीज का चल रहा था इलाज। देश में कोरोना की डरावनी रफ्तार। बीते 24 घंटे में करीब 3,47,000 नए मामले आए सामने। 2,624 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना से 348 लोगों की मौत। 24,331 नए केस आए सामने। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 66,836 नए मामले आए सामने। 773 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र के नागपुर में बीते 24 घंटे में कोरोना के 7,485 नए केस। 82 लोगों की हुई मौत। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में कांग्रेस विधायक कलावती भूरिया का कोरोना से निधन। इंदौर में के अस्पताल में चल रहा था इलाज। यूपी समेत 6 राज्यों में वीकेंड लॉकडाउन पर सख्त पहरा। यूपी में नियम तोड़ने पर लगेगा गैंगस्टर एक्ट। उत्तर प्रदेश में 59 घंटे का वीकेंड लॉकडाउन जारी। वैक्सीन और आवश्यक सेवाओं को दी गई है छूट। वाराणसी में वीकेंड लॉकडाउन के चलते बाजार में तालाबंदी। सड़कों पर भी पसरा सन्नाटा। उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू के दौरान टीकाकरण के लिए आने जाने वाले व्यक्तियों को मिलेगी छूट। चंडीगढ़ में नहीं लगेगा वीकेंड लॉकडाउन। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक सप्ताह के सभी दिन कर्फ्यू रहेगा। बंगाल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12,876 नए मामले आए सामने। 59 लोगों की मौत हुई। सीएम ममता बनर्जी ने ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर केंद्र पर उठाए सवाल। पश्चिम बंगाल के साथ सौतेला व्यवहार करने का लगाया आरोप। कोरोना के इलाज के लिए जाइडस कैडिला की दवा विराफिन की इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी। 18 से ज्यादा उम्र के मरीजों को दी जा सकेगी मेडिसिन। टीम 11 के साथ सीएम योगी ने की समीक्षा बैठक। रेमडेसिविर के वितरण में भेदभाव रोकने के लिए निर्देश। ऑक्सीजन सप्लाई की मॉनिटरिंग के लिए वेब पोर्टल किया लॉन्च। उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या में रिकॉर्ड इजाफा। बीते 24 घंटे में मिले 37,238 नए मामले। 199 लोगों की मौत। लखनऊ में रेमडेसिविर की कालाबाजारी पर पुलिस का बड़ा एक्शन। 18 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अलग अलग थाना इलाकों में की कार्रवाई। उत्तराखंड में 18 साल से ऊपर सभी को मुफ्त लगेगी कोरोना वैक्सीन। सरकार ने रखा 50 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य। 1 मई से शुरू होगा महाअभियान। उत्तराखंड में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। फिर मिले 4,000 से ज्यादा नए केस। 49 लोगों ने गवाई जान। देहरादून में मिले 1,605 मामले।
प्रधानमंत्री के साथ चर्चा के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उठाया वैक्सीन का मुद्दा। 18 से 45 तक वर्ष के लोगों को फ्री वैक्सीन लगाने की रखी मांग। राजस्थान में कोरोना को लेकर संशोधित गाइडलाइंस जारी। अब सुबह 6 बजे से 11 बजे तक ही खुलेगी दुकानें। एक जिले से दूसरे जिले में परिवहन पर लगाई रोक। राजस्थान में बैंकों के खुलने का बदला समय। सोमवार से सुबह 10 से 2 बजे तक ही होगा कामकाज। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बाद बड़ा फैसला। राजस्थान में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में मिले 15,398 नए संक्रमित, जबकि 64 मरीजों की मृत्यु। हरियाणा में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर राज्य कोविड मॉनिटरिंग कमेटी की दूसरी बैठक का सीएम मनोहर लाल और साथ ही स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज करेंगे अध्यक्षता। एमपी में पिछले 24 घंटे में मिले कोरोना के 13,590 नए केस, 74 की मौत। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 17,397 नए पॉजिटिव केसेज आए सामने। 219 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। कोरोना संक्रमण को लेकर सीएम बघेल ने जिला पंचायत अध्यक्षों और सीईओ के साथ की समीक्षा बैठक। संक्रमण रोकने के लिए दिए जरूरी दिशा निर्देश। होम आइसोलेटेड मरीजों का मनोबल और इम्यून मजबूत करने के लिए एमपी सरकार का प्रयास। सीएम शिवराज ने किया योग से निरोग कार्यक्रम का ऑनलाइन शुभारंभ। आईजीआईएमएस में सभी कोविड मरीजों का होगा मुफ्त इलाज। सीएम नीतीश ने ट्वीट कर दी जानकारी। सारा खर्च वहन करेगी सरकार।